कुची टनल के हाफ डे टूर में क्या क्या एक्टिविटीज होती है, क्या कॉस्ट है, कहां से बुक करना चाहिए और भी इंटरेस्टिंग जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। हम होटल के बाहर सुबह ठीक करीब 8 बजे अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे। हमारी गाड़ी आ गई है और बस यहाँ से बस बैठ के आगे निकलते हैं। गाड़ी तो बढ़िया कंफर्टेबल एंड लग्जूरियस है। एक बात जरूर माननी पड़ेगी, जो कल का जो पैकेज बुक किया था और जो आज का पैकेज है, इन लोग टाइमिंग्स के बड़े पाबंद रहते हैं और बिल्कुल जो टाइम पे आपको बोला जाता है पिकअप करने के लिए वही टाइम पे आते हैं। बस आप डिले मत कीजिएगा। दूसरी अच्छी बात, आपको आपकी होटल से पिकअप और ड्रॉप दोनों करते हैं। अभी यह गाड़ी सभी टूरिस्ट को उनके होटल से पिकअप करेगी। तो आज हम कुची टनल्स की तरफ जा रहे हैं। इसका कितना पड़ा, कैसे मैंने इसकी बुकिंग कराई, ये सब आपको जानकारी बताता हूँ। ABF ट्रेवल्स बेंगलुरु से इसकी बुकिंग मैंने करवाई थी। दो लोगों का मुझे पड़ा करीब 2912 यानी पर पर्सन 1456। क्लूक में ये पड़ रहा था मुझे 1546 जो कि करीब 100 रुपये महंगा था। और ये गाड़ियाँ हमारे को पिकअप करने आती है, सबसे मस्त गाड़ियाँ हैं, एकदम नीट एंड क्लीन। इस हाफ डे टूर में आपको लंच तो इंक्लूड नहीं है, कुछ टैपिका और हनी टी बस इंक्लूडेड है इसमें। Let's learn some Vietnamese with me. Okay, xin chào. Okay, xin chào. एक इंग्लिश स्पीकिंग टूर गाइड आपके साथ दिन भर रहता है, आपको गाइड भी करता है और इंटरेस्टिंग जानकारी भी बताता है। गाइड के हिसाब से हम 10:30 बजे तक का पहुंच जाना चाहिए। जहां सड़कें चौड़ी होती है वहां डेडिकेटेड लाइंस रहती है टू व्हीलर के लिए। रास्ते में पहले हमें इस हैंडीक्राफ्ट वर्कशॉप लाया गया। यह खूबसूरत डिस्प्ले जो आप देख रहे हैं, क्या गेस कर सकते हैं कि किससे बनाई गई होगी और इसे कौन बना रहा है? यह सब खूबसूरत चीजें एक शेल से बनाई गई है। विश्वास ही नहीं होता कि एक का शेल जिसे फेंक दिया जाता है उससे इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स का आकार भी दे सकते हैं। और जब आप सुनेंगे कि इसे किसने बनाया है तो और भी हैरान हो जाएंगे। जो युद्ध हुआ था US और वियतनाम के बीच, तो उस टाइम जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए थे, तो उसका रेडिएशन का इफेक्ट आज भी है इस जनरेशन में भी। तो यह सारी खूबसूरत चीज़ें उन हैंडीकैप लोगों द्वारा बनाई गई है जो उस वॉर के साइड इफेक्ट से आज भी जूझ रहे हैं। सामने ही थी यह खाने पीने की छोटी सी दुकान। कॉफी है 40 KBND यानी लगभग 130 रुपए। जूसेस है 50 KBND यानी लगभग 165 रुपए। तो कुची टनल्स पहुंच गए हैं। आप हो ची मिन्ह सिटी से कुची टनल्स डायरेक्टली आना चाहते हैं तो यहाँ टिकट का प्राइस है करीब 125,000 डोंग। 125 KBND यानी लगभग 410 रुपये। आपकी सेविंग भी हो जाती है लगभग 1000 रुपीज़ पर पर्सन। बाइक से यह जगह वैसे सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है और वैसे भी यहाँ की रोड में गाड़ी चलाने का तो मज़ा भी आ जाएगा। टिकट चेकिंग हो गई है। इस जगह को ध्यान से देखिएगा। वियतनामी सोल्जर्स की हाइट करीब 4.5 से 5 फुट और वजन करीब 45 किलो हुआ करता था, इसीलिए इन छोटे होल्स में वे आसानी से छिप सकते थे। एक अच्छे कद काठी वाला इंसान यहां अंदर छुप नहीं पाएगा।
इस तरह के सीक्रेट ट्रैप डोर्स भी हुआ करते थे, एक बार आदमी अंदर गलती से गिर जाए तो उसका फिर भगवान ही मालिक है। यह एक टनल है, इसे एक छोटा मोटा टनल समझने की गलती मत करना। ये जो टनल है करीब 200 किलोमीटर लंबी है और इसके अंदर खाना पीना सोना सब कुछ होता था उस जमाने में। यह जो छेद दिख रहे हैं यह उन टनल के लिए वेंटिलेशन का काम करते हैं। अभी तक हम टैंक को सिर्फ दूर से देखते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उस पर चढ़कर भरपूर फोटो खिंचाने का मौका भी मिला। कुछ आगे चलने पर कुछ और सीक्रेट ट्रैप्स देखने को मिले। इतने ट्रैप्स इसीलिए ताकि भागते हुए दुश्मन की स्पीड को कम किया जाए, और जब कोई दुश्मन इन ट्रैप्स में फंसता है तो उसकी दर्दनाक स्थिति दूसरे को रोक सके और डरा सके। दुश्मन को पस्त करने के कुछ और भी तरीके थे। यह हुक्स देखिए, एक बार चुभ जाए तो निकालना तो और भी दर्दनाक होगा। They put the water in the middle to cool down the bomb. So they saw the bomb, they put the water in the middle to cool down the bomb. They're gonna make delay mine. Okay. You see that they're gonna camouflage it with a brand G like this. Okay, so when the vehicle move over, it's activate the mine. जो ये छोटे छोटे tunnels हैं, वो इतने narrow हैं। कारण ये है कि जो वियतनामीज सोल्जर थे सिर्फ 45 किलो वज़न था, और इतना हल्की बॉडी और दुबले पतले होने के कारण इतने छोटे एंट्रेंस से वो अंदर आ और जा सकते थे। अभी हम शूटिंग रेंज जा रहे हैं और देखते हैं आगे कैसा है। ये जगह बहुत अच्छी तो है, लेकिन अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो उतना ही डरावनी भी है कि उस ज़माने में कैसे लड़ाई लड़ी होंगी उन सोल्जर्स ने, तो रूह तो एक बार कांप ही जाती है। सैंडल्स भी ऐसी डिज़ाइन की गई कि पता ना चले कि व्यक्ति आगे गया है या पीछे। अब समय आ गया है एक छोटी सी टनल में जाने का जो कि लगभग 100 मीटर लंबी है। अगर आपसे नहीं होता है तो चिंता नहीं, हर 20 मीटर पर एक एग्जिट होगा। पहले टनल में आए और अभी और नीचे जा रहे हैं। इस टनल में हाफते रेंगते और पसीने से तरबतर होकर मैं आगे बढ़ता रहा। पाँच मिनट में हमारी ये हालत हो गई, तो सोचिए कि उन लोगों की, उन सोल्जर्स की उस ज़माने में क्या हालत होती होगी। इस भर गर्मी में पसीने से लथपथ थोड़ा मुंह धोया और थोड़ा अच्छा लगा। कुछ तो खाने के लिए दे रहे हैं। ये शकरकंद। एक आम वीसी क्या क्या पहनता है उसकी झलक है यह। यह मैप दर्शाता है उन टनल्स का स्ट्रक्चर कैसे हुआ करता था।
कहाँ छुपा जाता था, कहाँ खाना बनाया जाता था, इन टनल्स को बनाने के लिए कितने औजार लगे होंगे, यह सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा। इस फावड़े से टनल की मिट्टी खोदी गई और यह टोकरी उस मिट्टी को उठाने के लिए। बस इन दो चीज़ों के इस्तेमाल से इस विशाल टनल के साम्राज्य को यहाँ बनाया गया था।